हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फिलहाल के लिए आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक नई वैकेंसी रिलीज करी गई हुई है, जो कि आपकी कांस्टेबल की होने वाली है और धुआंधार वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही है। अगर यहाँ पे बात करें तो आपके कांस्टेबल मेल की वैकेंसी है, प्लस आपके कांस्टेबल फीमेल की वैकेंसी होने वाली है, और आपके कांस्टेबल मेन इंडियन रिजर्व बैटल लायंस की वैकेंसी होने वाली है, और प्लस आपके माउंटेन आर्म फोर्स की भी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो यहाँ पे 5,666 पोस्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है भाई, काफ़ी आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों बाद आपका इंतजार खत्म होता हुआ आपके EHSSC द्वारा क्या है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज करा गया है। आपकी गवर्निंग बॉडी यही होने वाली है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा रिलीज करा गया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, आपके नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें दी गई हुई हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जा सकता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी होने वाली है, यानी हरियाणा कांस्टेबल की आपकी पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पे बात करें आपका एप्लीकेशन, जो कि आपका 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो आप 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और कंप्लीट फॉर्म को कंप्लीट करने का डेट सेम डेट होने वाला है आपका, 24 सॉरी सितंबर ही आपका क्या है लास्ट डेट होने वाला है, यानी 10 सितंबर से लेके आप 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी रात के 11:49 तक। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, आशा करते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम की, अभी एग्ज़ाम डेट कोई रिलीज नहीं हुआ है। जब भी होता है मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा, आप वीडियो में आप बने रहना और चीज़ों को आसान तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाएगा। प्लस आपको जब भी एग्ज़ाम का अपडेट आएगा ना, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो प्लीज़, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग कंटेंट रोज लाते रहते हैं, जो भी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। कोई भी होगा, कहीं से भी होगा, किसी भी स्टेट से होगा, उसको एक भी पैसे नहीं पे करने होंगे, यानी कि 0 फीस आपकी लगने वाली है। जनरल के हो गए, OBC, अदर स्टेट, इनको भी 0 रुपीज़, और फीमेल जनरल हरियाणा रिजर्व कैटेगरी मेल 0 और रिजर्व कैटेगरी फीमेल 0, यानी किसी को भी एक भी पैसे नहीं देना है। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। बात क्या है, अगर आप जाते हैं कहीं साइबर कैफे पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ वाले वो भाई चार्ज लेंगे, कैसा कि आपका वो साइबर कैफे वाले कर रहे हैं, तो आपका कुछ चार्ज काटेंगे। तो अब बात आती है एज लिमिट क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट क्राइटेरिया आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल होने वाला है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 25 साल होने वाला है, यानी कि आप 18 से 25 के बीच में हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस आपको आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा क्या है, एज रिलैक्सेशन भी, कुछ एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जैसे कि OBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे, SC हो गए, ST हो गए, इनको कुछ क्या हुआ है, कुछ एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमारे OBC के होंगे तो इनको 3 साल का दे दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, और SC ST की बात करें तो इनको 5 साल का दे दिया जाता है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर भाई अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है पोस्ट की। तो यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जा रहा होगा, 5,666 पोस्ट आपको देखने को मिल जा रहा है, इसमें मेल फीमेल का कांस्टेबल की दोनों है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल मेल की बात करें तो आपके पास 400 पोस्ट देखने को मिल जा 4,000 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं, किसकी, कांस्टेबल मेल GDG। ठीक है, ग्राउंड डिपार्टमेंट पे, ग्राउंड ड्यूटी पे, तो 4,000 आपकी कांस्टेबल मेल की है। और फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल में 600 पोस्ट उनकी फीमेल की होने वाली है। और फिर आता है कांस्टेबल मेल इंडियन रिजर्व बैटल लायंस की बात करें तो इनमें इनका भी 1,000 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है। फिर बात आती है कांस्टेबल मेल जो माउंटेन आर्म फोर्स वाले रहेंगे, उनका क्या है, माउंटेन आर्म पुलिस की रहेगी जो भी, उनका 66 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है। और सेम टू सेम आपका क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम होने वाला है। जैसे कि आपका यहाँ पे होना चाहिए HCC ग्रुप सी CET एग्ज़ाम पास होना चाहिए, अभी रिसेंटली आपका CET एग्ज़ाम हुआ था, तो CET एग्ज़ाम जिन्होंने भी पास कर रखा हुआ होगा ग्रुप सी वाला, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। प्लस आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, HCC ग्रुप सी CET एग्ज़ाम पर पास, जो आपका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला था, मैंने आपको ऑलरेडी एक बार अपडेट किया था, अगर आप चैनल पे हैं तो आपको सारी जानकारियां मिल रही होंगी।
ठीक है, सीईटी का एग्जाम जिन्होंने भी पास कर रखा हुआ है वो एलिजिबल है, प्लस आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए तब जाके हो जाएगा। और आपका 10th लेवल में हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट एक होना ही चाहिए, कंपलसरी होगा, वो ऐसे ही सबको पता है कि आपका हिंदी या संस्कृत में से एक रहता ही रहता है, ठीक है। और आप अगर इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जिस कैटेगरी को हो आप देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है, ये सब लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है प्लीज। और यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होने वाला है, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, रनिंग मेल के लिए जो होगी 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में उनको दौड़ना होगा, और हमारे फीमेल जो होंगी उनको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है भाई। और सारी चीज़ें अभी चलते हैं आपके नोटिफिकेशन में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे दो आपका होगा, एक एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर, अब आपके नोटिफिकेशन पर चल लिया जाए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में, मैंने वैसे डाल दिया हुआ है आपके आसान तरीके से, आप उसको जाइए देखिए और अच्छे से सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करिए, ठीक है। और आपका ओपनिंग डेट आज से हो गया है, और आप 11:59 PM तक 24 तारीख को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, किस पे कितनी वैकेंसीज हैं, आपके किस डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। और चल लेते हैं एक बार, अगर जो चीज़ें छूट रही होंगी वो मैं बता देता हूँ। आपका अगर पे स्केल की बात करें, पे स्केल आपको देखने को मिल जा रहा होगा, 21,700 लेवल थर्ड है आपका, 21,700 आपका क्या है, पे लेबल होने वाला है, 21,700 आपके हाथ में आने वाला है भाई, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और एज लिमिट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, आपको क्वालिफाई करना होगा, जो आपका सीईटी टेस्ट पहले आप क्वालिफाई किए रहे होंगे, यानी कि आपने जब सीईटी वाला आया था, जब मैंने बताया था भाई हरियाणा सीईटी का फॉर्म आ गया है, और आपने अगर नहीं किया होगा तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, सबसे पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही देना होता है। तो आप भाई अगर एक बार सीईटी दे रहे हैं तो आपके हरियाणा में से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसी बेस पे होने वाला रहता है, जैसे कि आपके यूपी वालों के लिए पेट आ गया है तो उनको देना ही देना होता है, बिना पेट के आपका कोई भी SSC का फॉर्म नहीं भी भर सकते थे, यानी SSSC का, तो उसी हिसाब से आपका सीईटी भी यहाँ पे आपके राजस्थान में सॉरी यहाँ पे हरियाणा में होने लगा है, ठीक है। अगर आप सीईटी दिए होंगे, सबसे पहला वो होता है सीईटी, आप क्वालिफाई होने चाहिए, दूसरा आपका फिजिकल पीएमटी जो होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका थर्ड प्रोसीजर क्या होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, जिसमें आपका मेल को 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ाया जाएगा, फीमेल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगी उनको 1.1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ाया जाएगा, और जो हमारे इस एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ाया जाने वाला है, ठीक है भाई। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और नॉलेज टेस्ट की बात करें, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट का वेटेज क्या क्या लिया जाने वाला है, आप इसको एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट शैल बी अंडर गो ए नॉलेज टेस्ट बाई 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि एडिशनल वेटेज में रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 3 होने वाला है, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका कुछ वेटेज मिलने वाला है। तो 94.5 मार्क का जो सिलेबस नॉलेज टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके कहाँ कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, जनरल स्टडीज हो गया, जनरल साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, और आपका एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये रिलेवेंट फील्ड ट्रेड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको 10% क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे, जो कि आपके कंप्यूटर को आना चाहिए। इसी चैनल पे हमने शुरू किया है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कंटेंट अपलोड किया करने, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है आपके। और 20% क्वेश्चन आपके रिलेटेड बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा, हरियाणा के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करी जाएगी। आपके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों होने वाला है, प्लस आपका जो पेपर होगा वो OMR पे होने वाला है, यानी ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ठीक है, सबसे बढ़िया बात ये है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन, और आपके पास मार्क्स कितने होने वाले हैं, वही 93
94.5 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट फिल वन ऑप्शन कंपलसरी, फाइव ऑप्शन इवन, यानी कि आपके पास पांच ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको फिल करना होगा, ठीक है भाई। एक बार प्लीज आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हुई हैं। अगर कुछ चीजें ना समझ में आए प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट का रिप्लाई देने में मैं सबसे आगे रहता हूँ और सारी चीजों को आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही मानने वाला हूँ, ठीक है भाई। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे भी चीजें अपडेट दिया जाता रहता है, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कवर कर रखी हुई हैं, ये आपका नोटिफिकेशन रहा, ठीक है। और अब बात आती है कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका होम पेज ओपन होने वाला है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। तो आप इस पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे कुछ देर आप ये चलेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, हाँ क्लिक फॉर पोलिस रिक्रूटमेंट, तो अप्लाई जॉब ऑनलाइन, इस पर भी एक बार क्लिक करके देख लिया जाए क्या आता है। यहाँ पे अभी साइट क्रैश चल रही है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको ना कर छेड़ते हुए आप अपने एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपका खुल जाने वाला है, आप सिंपली लॉग इन पर क्लिक करेंगे, नहीं, सॉरी गलत, हाँ, तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप आसान तरीके से जाके वहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है आपको। जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे सीईटी नंबर, सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कंपलसरी है, बिना सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आप बात आती है, आप सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर, न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो के आता है, आप इस पर यस करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करते ही आपको सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना ही डालना है, बिना उसके नंबर डाले ही आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस पर फिर आप चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स, आपके पुराना जब सीईटी आपने भरा हुआ रहेगा वहाँ पे सारा डिटेल्स दिया रहेगा, बस सिंपली आपको वहाँ से अपना फोटो और सिग्नेचर एक बार और फिर से चिपकाना है और अपना लास्ट प्रोसेस कर देना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है भाई, सिंपल सा प्रोसेस को फॉलो करिए, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने आपके सुविधा के लिए हमने लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से आसान तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ एक बार कॉमेंट जरूर करिएगा, मैं कॉमेंट का रिप्लाई देने में सबसे आगे रहता हूँ, क्योंकि भाई मैं बैठा ही रहता हूँ उसी के लिए, क्योंकि आपको दुविधा ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं हूँ। तो बस इस तरीके से हम लोग कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपके हेल्पफुल रहता है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं इससे रिलेटेड, और आशा करते हैं आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, मिलेंगे अगले एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।